भाई बता दिए, वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही असरदार है। अब उसे बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या सामान चाहिए, क्योंकि हम पहले थोड़ा सा सामान को रोस्ट करेंगे जिससे कि हमारे बालों में बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर आए। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले ये मैंने लिया है मोटा वाला आंवला पाउडर, और अब इसमें लेंगे हम थोड़ा सा शिकाकाई का पाउडर। गैस को हम ऑन कर देंगे। आंवला शिकाकाई का पाउडर इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे चाय की पत्ती, क्योंकि चाय की पत्ती कंडीशनर का काम करती है। तो लगभग 1 चम्मच के करीब इसमें हम चाय पत्ती डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। लेकिन उससे पहले इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन प्याज के छिलकों का पाउडर। अब इन सब हर्ब को हम अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं ये थोड़ा सा ज़्यादा सीरम बना के रखूंगी, क्योंकि क्या होता है बहुत बार ऐसा होता है मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मैं इन चीज़ों को पहले से स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि जिससे कि हम फटाफट हीना घोलें या फिर कोई भी इसमें कोई भी हर्बल पाउडर मिक्स करके एक अच्छा सा अपने लिए डाई तैयार कर सकें। बहुत बार नहीं टाइम होता है आपके पास, तो मैं इसको ज़्यादा सा बना के स्टोर करके रखूँगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे सीरम मैं बना के रखती हूँ जो ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं आपके साथ एक एक तरीके से, ये देखिए मैं आपके साथ सीरम की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। ये इसे आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम हो, आपको लगता है कि आपको हिना लगानी है, तो बस आप इसमें हिना को घोलकर अपने बालों को बहुत अच्छा कलर दे सकते हैं। देखिए इस तरीके से, और ये काफ़ी हद तक भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, ज़्यादा जलाना नहीं है इसे, सिर्फ इतना ही गर्म करना है, इतना ही भूनना है कि जिससे कि इसका कलर थोड़ा ब्लैक हो जाए। हम इसमें डालेंगे पानी, इसमें हम डाल देते हैं 1 कप, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था मैं इसे स्टोर करके रखूंगी। और ये 2 कप पानी, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग 1 से 2 मिनट तक इसे पकाना है, क्योंकि हमने सब पाउडर वाली हर्ब ली हैं तो ये सब अच्छे से जल्दी पक जाएंगी। ये बहुत ही अच्छा सीरम है, मैं आपको बता देती हूँ, आप इसे ध्यान से देखिएगा और अपने लिए इसे बनाकर स्टोर कर लीजिएगा। अब देखेंगे ना आप धीरे धीरे, जैसे जैसे ये पकता रहेगा ये ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो हमने इसमें शिकाकाई का पाउडर लिया है और जो आंवला का पाउडर लिया है, ये बहुत ही अच्छे होते हैं बालों के लिए, बालों को काला बनाने के लिए। और ये बहुत ही कॉमन सीरम है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसे बनाकर रखकर आप अपने बालों को ना बहुत जल्दी काला बना सकते हैं। ये हर तरीके से बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जिसमें हम चाय पत्ती का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया मैं कंडीशनर इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, तो मैं इसलिए चाय पत्ती इसलिए डालती हूँ कि चाय पत्ती नेचुरल कंडीशनर का काम करती है। और अभी हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। और देखिए ये पकने के बाद इसका कलर कितना अच्छा हो चुका है, और इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और हम गैस को कर देंगे बंद और इसको हम ऐसे ही लोहे की कढ़ाई में छोड़ के रखेंगे जब तक ये अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता है। उसके बाद हम इसे छानेंगे और हमारा सीरम तैयार हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया इसका, जैसा मैं चाहती थी ऐसा ही कलर बिल्कुल इसका आया है। छान लिया है जो मैंने आपके साथ सीरम शेयर किया था, अब आप देख सकते हैं ये कितना ब्लैक बना है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बालों के लिए। तो आज मैंने आपको एक बहुत अच्छी सीरम की रेमेडी बताई है, आप इसे बनाकर बहुत ही जल्दी अपने बालों को काला बना सकते हैं, घना बना सकते हैं, क्योंकि इस सीरम से आप जो भी डाई बनाएंगे ना वो आपके बालों को बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर देगी। बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो आज मैं आपको बता रही हूँ सीरम की, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा। इसके बाद इससे डाई कैसे बनेगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इस सीरम को बनाकर रख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको 2 से 3 रेमेडी इस सीरम से बनने वाली डाई की बताऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर नई रेमेडी के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सीरम कैसा लगा उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।